हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएड एंड डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड एंड डीएड, इन सब में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये सारी एक ही कैटेगरी में आएगा और इसको हम दे देते हैं नाम डीएलएड। सो बेसिकली डीएलएड को पहले बीटीसी कहा जाता था और ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इनका नेम में फ़र्क है एंड ये सारे कोर्सेज एक ही है, सिमिलर, राइट। सो आज के वीडियो में हम बीएड एंड डीएलएड इन में क्या डिफरेंस है, तो अलग अलग पैरामीटर पर हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा कोर्स आपको करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो कोई भी कोर्स को करने का जो पर्पस होता है वो बेसिकली जॉब होता है। हर कोई चाहता है कि किसी भी कोर्स को करने के बाद वो एक अच्छा जॉब ले सके, एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। सो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिफरेंस देखते हैं। बीएड एंड डीएलएड में बेसिकली जो डिफरेंस है, बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो और ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 50 और 55% होनी चाहिए अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ अगर आप डीएलएड कोर्स करना चाहते हो तो डीएलएड कोर्स आप ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं एंड आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन, अगर आप जो भी क्वालिफिकेशन के बाद आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो इनमें डिफरेंस होता है, आगे आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस की। सो बेसिकली अगर आप बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो मेनली एंट्रेंस बेसिस होगा। तो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं और उसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है बीएड कोर्स में। बट कुछ ही कॉलेज है जो मेरिट बेसिस, यानी कि आपके ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे या फिर डायरेक्टली एडमिशन ले लेती है, राइट। अनदर वन इज़ डीएलएड। तो डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में आपके अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेसिस ही आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, ठीक है, स्टेट वाइज आपके बहुत या यूनिवर्सिटी वाइज बहुत कम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू डीएलएड कोर्स में एडमिशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर की। तो बेसिकली यहाँ पे हम टीचिंग की बात करेंगे। टीचिंग के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी होती है, बट उस चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में आप क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। बेसिकली आप पीआरटी एंड टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी कंडीशन है, अगर आप 12th के बाद अप्लाई करते हैं, यानी कि 12th के बाद डीएलएड कोर्स करते हैं, तो उसके बाद आप सिर्फ पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स करते हैं तो आप पीआरटी एंड टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप 1 to 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। बीएड की बात करें तो बीएड में आप प्राइमरी, हाई स्कूल एंड इंटर तीनों ही लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। बेसिकली आप पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट पीजीटी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने मास्टर कोर्स किया होगा, ठीक है। एंड जो भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी लेवल स्कूल के लिए या प्राइमरी लेवल टीचर के लिए वैकेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आफ्टर बीएड और डीएलएड कोर्स। सो बेसिकली बीएड या फिर डीएलएड कोर्स को करने के बाद आपके पास मेनली दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो आप जॉब करो या फिर जॉब की प्रिपरेशन करो। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप हायर कोर्सेज करो, ठीक है। तो अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में आपके पास बेसिकली, अगर आप टीचर बनना चाहते तो इसके लिए आपको टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होता है। ये एग्ज़ाम होता है और ये स्टेट लेवल का भी होता है और ये नेशनल लेवल का भी होता है। तो नेशनल लेवल के लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जब भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना कंपलसरी है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं। जब भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी सेपरेट एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर जिस भी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो रिक्रूट करते हैं या रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है, बट उससे पहले आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सीटेट या फिर टीटी एग्ज़ाम देने के लिए बेसिकली इसमें दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 के लिए आपका पीआरटी होता है, यानी कि पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप पेपर 1 दे सकते हैं। टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। तो अगर बीएड की बात करें तो बीएड में आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं। एंड अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में भी आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लास 12th के बाद डीएलएड कोर्स किया है तो आप सिर्फ पीआरटी के लिए यानी पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स किया है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
हायर कोर्सेज की बात करते हैं तो बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हैं, एंड अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के बाद भी आप एमएड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है, आपने अगर ट्वेल्थ के बाद डीएलएड कोर्स किया है तो आप नहीं कर सकते एमएड, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कोर्स किया है तो आप एमएड कर सकते हैं, बट ये भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है, यानी कि एमएड कोर्स डीएलएड कोर्स स्टूडेंट को करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आप एमएड कोर्स के लिए, तो उससे पहले एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा। सो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो डीएलएड कोर्स अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है तो आप एमएड कर सकते हैं। ओके, अगर आप रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमएड के बाद आप पीएचडी कोर्स कर सकते हैं, और पीएचडी कोर्स करने के लिए आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट एग्ज़ाम या फिर जीआरएफ। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बेसिकली जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है और उस स्टाइपेंड से आप पीएचडी कोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली पीएचडी के लिए ही आपको स्टाइपेंड मिलता है। पीएचडी 3 से 6 साल में आपका कंप्लीट हो सकता है, मिनिमम 3 साल लग सकता है और मैक्सिमम 6 साल भी लग सकते हैं पीएचडी कोर्स को करने के लिए। सो पीएचडी कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास हाई चांसेस होते हैं अगर आपने पीएचडी किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर कोर्स करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बट ये सारे ही यूनिवर्सिटी में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो पीएचडी की डिमांड करते हैं प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीएचडी कोर्स करना होगा एमएड कोर्स करने के बाद। एंड यहाँ पे गाइस आप एमफिल भी कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है लगभग। सैलरी की बात करते हैं, तो उससे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो डीएलएड कोर्स की जो वैकेंसी आती है डीएलएड कोर्स के लिए वो ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी लेवल टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो डीएलएड में आपके पास वैकेंसी ज़्यादा होगी, बट बीएड की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली बीएड में कम वैकेंसीज होती हैं, और ये आपको हर साल नहीं मिलेगा, कुछ साल के या कुछ ईयर्स के गैप के बाद ही वैकेंसीज आती है। यहाँ पे सैलरी का कंपेरिजन करें तो गाइज डीएलएड के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो बीएड की सैलरी के कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है। तो बीएड के बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं हाई स्कूल, इंटर, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो सैलरी पैकेज होगी वो हाई होगी। तो ये डिफरेंसेस थे डीएलएड एंड बीएड कोर्स में। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू एनी कोर्स, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डिटेल वीडियो देखना है तो आप चाहो तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। जो भी रेलिवेंट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे कोर्सेज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।